धमाकेदार प्राइम मूवीज देखने के लिए एनएच प्राइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। Come out.
है रॉकी, जब सारी दुनिया सोती है तब ना तो ये खुद सोता है ना खूबसूरत लड़कियों को सोने देता है। फिलहाल तो ये यहाँ पर खड़ा है, लेकिन इसका दोस्त कन्हैया कहीं और खड़ा है। हे कृष्ण भगवान, मुझे 2 मिनट में पेट भरने वाली कोई मैगी नहीं, बल्कि 7 जन्मों का प्यार देने वाली चाहिए। मुझे टीपी नहीं, बीपी चाहिए, ब्यूटीफुल पत्नी। मेरी बिनती सुन ले हे प्रभु, हे देवा। अरे भाई साहब, आज के जमाने में मैगी और बीपी कभी भी बैन हो सकते हैं। आपकी मदद प्रभु देवा तो क्या, रजनीकांत भी नहीं कर सकते। ऑल द बेस्ट। कल हमें एक जनाब मिले थे, मिस्टर पोपट। लॉन्डी का बिजनेस है उनका। पोपट भाई हमें एक खूबसूरत हसीना से मिलाने वाले हैं। उनके सामने अपना इम्प्रेशन माचो देने के लिए एक तरकीब है मेरे पास। देख छाप। पोपट, देख छाप। चला मालिक। ओह पोपट भाई, आइए आइए, आप ही का इंतजार था। कहाँ है लॉन्डी, दिखाइए। अरे छाप, आपके लिए मैं ऐसे दूध लाया हूँ कि दूध देखते आप दूध पे दूध पलोगे। क्या वलायती है, कच्चम से बोलता हूँ, लशन है, अमेरिकन है, इटालियन है, ऑल देसी भी है। अरे लेकिन पोपट भाई, आपने तो बताया था आपका लॉन्डी का बिजनेस है ना। हाँ लॉन्डी का ही धंधा है, लेकिन लॉन्डी के धंधे में तूत के तात तलवार मिलता है, कुलता मिलता है, थाप मिलता है। आपकी फरमाई तूतों की थी तो मैं तूत लाया। ये देखिए धोखेबाज, खामखा तूने मेरे सोए हुए अरमानों को जगा दिया। मैं तुझे जिंदा काट दूंगा। तेरी दीवान छाला बुद्धा थलकी, बुद्धा थलकी किसको बोला तेरी। तो कब से कॉफी मंगवाई है मैंने, ये किसकी है? फ्रेश है, लाओ मुझे दो। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग सर। एक मिस्टर इंडिया था जो लाल रंग में दिखाई देता था, और एक कन्हैया है जो लाल रंग देखते ही काला हो जाता है। रेड का कोई भी शेड हो, असली या डाइड, उसे देखकर हो जाता है ये मॉकाइड। फोकस फोकस फोकस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मे आई कम इन सर? हाँ हाँ, कम इन। मुझे सर ने आपके पास भेजा है ताकि मैं ले सकूं आपका नोटेशन। ओहो अच्छा, तो तुम कैसे लोगी नोटेशन? जैसे भी तुम देना चाहो, आई मीन नोटेशन। वो मैं तो मुंह से दूंगा नोटेशन, पर मैं तो हाथ में पकड़ के लूंगी। क्या सेल फोन? फोन गिव इट टू मी। कन्हैया डेलीगेट आ गए हैं, 5 मिनट में प्रेजेंटेशन लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ। ओके डैड, ओके। कन्हैया फोकस 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 फोकस। कन्हैया हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, कम ऑन बेबी। मुझे ये सब अभी नहीं करना, मुझे ट्रू लव की तलाश है। ट्रू लव, हटो हटो। आई विल गिव यू ट्रू लव। कन्हैया डोंट लीव मी एंड गो। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी कंपनी लॉ मैन पेज 3 का एक ही मोटो है, एक्सीलेंस। हमारे जीन्स में जीन्स बनाने का हुनर है, और इस हुनर को आगे बढ़ाने के लिए मेरा बेटा कन्हैया ले मेरा भरपूर साथ दे रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टाई योर सीट बेल्ट्स फॉर माय सन्स फैंटास्टिक न्यू वेंचर संस्कार रेंज ऑफ ट्रेडिशनल वेयर। ये फोटोग्राफ्स आप लोगों को साफ अंदाजा देंगी कि मार्केट में बैक डोर एंट्री कैसे मार सकते हैं। इस वर्जन मार्केट को कैप्चर करना कैसे हो गया? हमारा गोल है। ये अगला इमेज आपको बताएगा कि हमने कौन से स्टेप्स उठाए हैं ताकि हम मार्केट के बूबी ट्रैप से बच सकें।
ये बहुत ही डेंजरस मैप होता है। क्या हो रहा है इधर? तुमने कुछ किया? साइलेंस। व्हाट इज दिस नॉनसेंस मिस्टर लेले? प्लीज लुक बिहाइंड। लोकमत में मेरी फोटो छपी है क्या? शट अप रॉकी। यार आज सब गड़बड़ हो गया। डैड मुझसे बहुत नाराज है। मेरे प्यारे काने का नहीं है, फोकस फोकस। उन्हें भी पता है कि लाल देखकर उनके लाल का क्या हाल हो जाता है। प्रॉब्लम तेरे कॉकाइड की है। कब तक नाराज रहेंगे? आज रात जब नानी 69 की हो जाएगी तब पटा लेना। हाँ, आज रात नानी का 69 बर्थडे ही मुझे बचा सकता है। भगवान करे आप और मासी हमेशा ऐसे ही खुश रहे। कन्हैया अब तो तुम मुझे माँ बुलाना शुरू कर दो। मासी भी मासी ही होती है। माना कि मैंने तुझे बचपन से पाल पोस के बड़ा नहीं किया, लेकिन दीदी के गुजरने के बाद मैंने भी तेरी कई गंदी चट्टियाँ बदली है। हाँ। ज्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है इस निकम्मे को। तुझे केक लाने को कहा था ना? कहा था कि नहीं? रॉकी लेकर आ रहा है। एवरीबॉडी द केक इज हियर। कम 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 एवरीबॉडी कम 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 कम। नहीं नहीं आप नहीं, नानी आइए ना। हाँ, माय 69 बर्थडे केक। यस। 1 2 3 इज इट जस्ट परफेक्ट? अच्छा है ना, अच्छा है ना? नहीं 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 नहीं। क्या लेके आया? पकड़ो। तुम दोनों को एक छोटा सा काम दिया था, वो भी ढंग से नहीं कर सके निकम्मो। पर अंकल इस केक में क्या गलत है? अबे तू क्या बक रहा है? ये देख, वो नानी का जन्मदिन है, शक्ति कपूर का नहीं। अब हम दोनों को ही काम करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी माँ को जाके एक नया अच्छा डिसेंट केक लाना पड़ेगा। तब तक तुम नानी को ले जाकर मंदिर हो आओ। ओके, ठीक है, ठीक है। चल, हाँ। चल चल चल। एक ढंग का केक नहीं ला सका, एक ढंग का गिफ्ट तो ले आता। गिफ्ट? अब कहाँ से लेके आऊँगा गिफ्ट? यार passmyorder.com है ना, शॉपिंग भी और सेविंग्स भी। हाँ। कितना अच्छा था, कितना बड़ा था। अरे नानी आज रात को 12 बजे आपके 69 पे हम हाँ? आपको इससे भी बड़ा सरप्राइज देंगे। हाँ? अब चलो मंदिर चले। चलो। ये वेबसाइट तो अमेजिंग है। डन, गिफ्ट तो ले लिया, अब क्या करूं? घर में कोई नहीं है, जरा सी ऑयलिंग कर लेता हूं ताकि वक्त आने पर ठीक से बजे। देसी पॉपकॉर्न, बॉलीवुड की हिट फिल्मों का हॉट वर्जन, ये कुछ नया लग रहा है। जाग रैम्बो जाग। देखा ना आपने डॉक्टर, रैम्बो जब देखो भागता ही रहता है, और मैं जितनी भी कोशिश करूं ये जागता ही नहीं है। प्लीज कुछ कीजिए, अदरवाइज मेरी ये जवानी यूं ही बेकार हो जाएगी। रैम्बो जागेगा, ये मेरा वादा है। फॉर्मूला 36 24 36। ओ नो, इसका एक ही इलाज है, नर्व फ्लोरा। यस डॉक्टर वागमारे, कम इन नर्व फ्लोरा, हाउ कैन आई हेल्प यू? दिस मैन has type 2 low Parkinson's disease. Cure him. Give it to me. Is it hot on this point? Push it. Give it to me. Magic! Huh?
की जान ले ली। अरे यार, इतनी सी बात के लिए तेरे बाप को तुझे घर से नहीं निकालना चाहिए था। आखिर तू उनकी तोप का गोला है ना। अगर तूने अपनी तोप से गोले बरसाकर नानी की जान ली होती तो आज मैं यहाँ बारे से लावारिस नहीं होता। अब जो हो गया उसे भूल जाना। मैं उस दिन भी साथ था, आज भी साथ हूँ। अरे तेरे कंधे से कंधा मिलाकर यार। यार बुरा वक्त बदलने के लिए एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटा लगता है यार। देख घंटा बोला, घंटी बजी ना। हेलो, अरे इतने सालों बाद यार अपना मिक्की है थाईलैंड से। मिक्की? हाँ नहीं यार, हालत कुछ ठीक नहीं है। क्या सच? क्या बात कर रहा है? अरे ऑफ कोर्स यार, यार डन ब्रो, डन, थैंक्स। क्या हुआ, क्या काम है? किने यही कि हमारी तकदीर बदलने वाली है। उसने हमें जॉब ऑफर दिया हुआ है। हाँ? वो चाहता है कि हम बैंकॉक जाकर उसे हैंड जॉब दे। क्या मतलब? उसके जॉब में उसे हैंड दे, उसका हाथ बटाए। अच्छा? हाँ। कैसा काम? ये तो नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि उसका कुछ लेने देने का बिजनेस है। लेने देने का बिजनेस? हाँ। रॉकी, कहीं हमारे लेने के देने ना पड़ जाए। जो भी है, यहाँ से तो अच्छा ही होगा ना। हाँ, मड आइलैंड में सड़ने के बजाय थाईलैंड जाते ना। मिक्की ने हमें गारंटी दी है कि वहां जाकर हम ढेर सारा पैसा बनाएंगे, शैंपेन में नहाएंगे, मोए मोए। और उसने ये भी कहा है कि लंबी गाड़ी में लड़कियां घुमाएंगे। Yeah.
Sexy. Yes? My seat is there. Can I? Yeah, of course. Excuse me? I think that's my seat over there. Yeah. Sure. Pillow, please. Here's your pillow, ma'am. Thank you. Excuse me. Can I also have a pillow, please? Thank you. Welcome. Thailand. Here we land. What's that? चश्मे चेन वेन लेदर शेदर डोले शोले अरे साला पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई है आ दिखाता हूँ कैसे okay. तू मेरी जिंदगी खराब करती है रज्जो जी मैं तुहानू इतना प्यार कर दिया तो तुसी मेरे ते शक कर रहे हो ओ चुप कर कितने का प्यार है भैन जी थप्पड़ मारना तेरे चुप कर मार के दिखा मैं भी पंजाब बन गया ओ चुप कर नहीं तो तेनू हां जी भाई जी ओ की है जी क्या हो रहा है जी ओ जी हमारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं और इसने बच्चे को भी जन्म दे दिया हैं दसो आपकी शादी को कितने महीने हुए 3 महीने आपकी शादी को जी 3 महीने बच्चा कितने महीने में हुआ 3 महीने टोटल था 3, 3, 6, 6, 3, 9 ओ तेरी रज्जो जी ये तो 9 महीने हो चुके हैं यार टाइम तो पता ही नहीं चला मैंने माफ कर दे यार तुसी तो ऐसे ही शक करते रहते हो थैंक यू जी आपने हमारी शादीशुदा जिंदगी को बचा लिया जी बस जी 6609823 कॉल करना ओ चल आजा जप्पी जप्पी मारते हैं दूजे की तैयारी करते हैं यार आज मुझे तुझ पे बहुत गर्व है चाहे तू इतने साल हमारे देश से बाहर रहा पर आज भी तू हमारे देश की सभ्यता को भूला नहीं है बहुत दुआएं मिलेंगी तुझे आज तूने एक शादी को टूटने से बचाया है ये बिल्कुल नहीं बदला बिल्कुल वैसे का वैसा ही है अरे मेरे भोले का नहीं यार मैंने कोई पुण्य का काम थोड़ी किया है मैंने तो अपने फायदे के लिए किया है नहीं समझा ये कभी नहीं समझेगा Welcome to the new exciting life. Thank you, यार. लेकिन मुझे एक बात बता तू यहाँ करता क्या है और हमसे क्या करवाना चाहता है हाँ. It's a surprise. एक ऐसा surprise जो तुम लोगों की लाइफ बदल देगा वैसे ही जैसे सनी लियोनी की इंडिया आकर बदली Clink, clink, clack, trap, just turn and fit While they saying it hot, well I guess I'm a scope I'm a monster when it comes to this rap shit कौशल्या बेबी डार्लिंग मीट मी टुनाइट आई विल मेक यू अ बिग स्टार वाह मिकी क्या लाइफ है तेरी यार अरे ये तो सिर्फ ट्रेलर था अब यहाँ खुलता है जन्नत का दरवाजा वेलकम ये है मेरा स्टूडियो नाइस प्लेस और मेरे सारे काम यहीं से होते हैं कैसा काम सारे काम पता चल जाएगा यू गाइस आर गोना हैव अ लॉट ऑफ फन आज मैं तुम लोगों को 3 चीजें सिखाऊंगी एंटरटेनमेंट पहले मैं
वरना पनिश कर दूंगी। Cut! The shot, moving on. Hey, Merrily. Hi, Mickey. Meet my friends, Kanhaiya and Rocky. और ये है मेरी हीरोइन Merrily. आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई. आपने मेरा शॉट देखा? हाँ देखा ना, सुपर्ब शॉट. मजा आया. ये ऐसे क्यों बात कर रही है? नहीं नहीं डर मत, वो क्या है ना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मेथड एक्ट्रेस, 3 साल से एक ही रोल कर रही है, तो कैरेक्टर में इतना घुस गई है कि यू नो बाहर आना बहुत मुश्किल है ना मेरे लिए. मैडम रेडी है? मैडम आए, ये देखो मेरा नया इंसाइक्लोपीडिया. एच फॉर हार्डर, एफ फॉर फास्टर, एल फॉर लॉन्गर. नहीं मेरा माँ नहीं, तुमने तो डिक्शनरी के वर्ड्स की छुट्टी कर दी छुट्टी. आई लव इट. गलती तुम्हारी है, कहाँ से करी थी तुमने ऐसी बकवास डिक्शनरी? लगता है मैंने पहले ऐसे कहीं देखा है. Give it to me. Push it. Nurse Laura. मुझे नहीं पता था कि बड़े बड़े देशों में इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं. अरे don't underestimate the power of a common man. शॉट दिया टार्जन. हाँ डार्लिंग, कैसी हो मेरी सक्कू? व्हाट अ हॉट शॉट. हे मीट माय फ्रेंड्स, ये कन्हैया और ये है रॉकी. शकुंतला मतलब शकुंतला. नहीं नहीं शकुंतला ही है वो, क्या है ना जबान की साफ नहीं है ना. हाँ शो को सब बुलाती है, वैसे इसका नाम शक्कू है, खुद को सक्कू बोलती. सक्को अच्छा है कि सर को फो नहीं बोलती. ये ठीक तो है ना? नहीं नहीं ठीक बिल्कुल नहीं है. जब मूड में आती है ना तो खुद को ऐसे खुजली करने लगती है. ए मैडम मूड में, मैडम का शॉट लो. हाँ गो 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 गो. कम देर, यहाँ ये सब हो क्या रहा है? या बड़े छाए हो मेरे चिकनो. हाय. ए ये दोनों कौन है मिकी? ये दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं, कन्हैया और रॉकी. और गाइस ये है मेरे ब्रिलियंट एक्टर्स. ये दोनों कितने क्यूट हैं, स्पेशली ये वाला. आउट, हट. अभी ज्यादा छेड़ मत, फ्रेश माल है, अभी अभी इंपोर्ट किया है हमने. एक सेकंड, कहीं तुम इन्हें हमें रिप्लेस करने तो नहीं ले आए हो? अरे मेरी ब्यूटी, तू रोती क्यों है? इसे थोड़ी रिप्लेस कर दूंगा, तुम लोगों के चिराग में तो अभी भी बहुत सारी लाइट है. वो तो है. अरे ये दोनों तो मेरिली और सक्कू की जिंदगी में अपनी मोमबत्ती से रोशनी भरने आए हैं. मोमबत्ती? तूने सोच भी कैसे लिया कि हम ऐसी गंदी बात के लिए राजी हो जाएंगे? अरे मैंने सोचा अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा गंदी बात. तुझे शर्म नहीं आती? तू बीपी बनाता है? अरे बीपी नहीं, डीपी. डीपी? हाँ, डर्टी पिक्चर. मुझे एक बात बता, तू हमसे ये काम क्यों करवाना चाहता है? हम में ऐसी क्या खास बात है? अरे डार्लिंग, तुम दोनों में वो है, एक्स फैक्टर. नहीं, मैक्स फैक्टर. तुम लोग वो दिन भूल सकते हो लेकिन वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता. याद है मेरे बर्थडे की पूल पार्टी? अरे ये कौवा पानी में कैसे खड़ा है? भगवान किसी को बड़ा दिल देता है, कभी किसी को भगवान बड़ा दिमाग देता है, लेकिन अपना दिमाग लगाकर अपने दिल से पूछो कि भगवान ने तुम्हें क्या दिया है. तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ मैं मानता हूं कि मैं गंदी फिल्में बनाता हूँ, यहाँ पे लड़के लड़कियों को नंगा करता हूँ, लेकिन उसी कमाए हुए पैसों से मैं सोमालिया के नंगे बच्चों का तन भी ढकता हूँ. तुम लोगों को ना मेरे वो गलत वाले जॉब्स नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जॉब नजर नहीं आ रहे जो मैं आए दिन यहाँ गरीब हिंदुस्तानियों को बैंकॉक में देता हूँ. तुम लोगों को ना मेरे बारे में जो सोचना है सोचो, लेकिन मेरी नजर में मैं पौन का नहीं, पुण्य का काम करता हूँ. He's right. और ऐसे भी कन्हैया, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम वापस घर नहीं जा सकते. जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें ये कर लेना चाहिए. हम दोनों के पास ऊपर वाले का दिया हुआ स्पेशल टैलेंट है, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. तू पागल तो नहीं हो गया रॉकी? अगर तुझे ये गंदा काम करना है तो तू कर, मैं नहीं करने वाला. यार बचपन से लेके आज तक हम दोनों ने जो कुछ भी किया साथ में किया, जिए भी तो साथ,
पिए भी तो साथ, झूला झुलाए भी तो साथ, पौधा हिलाए भी तो साथ, और आज तो मुझे अकेला छोड़ देगा। देख अपने चारों ओर, तुझे कोई ना कोई साइन जरूर मिलेगा कि हमें मिकी की फिल्म साइन कर लेनी चाहिए। वो फूल देख, वो एक साइन है। कैसा साइन? फोकस कन्हैया, फोकस। देख कन्हैया, आसमान भी तुझे बादलों में साइन दिखाकर आशीर्वाद दे रहा है। हाँ कह दे कन्हैया, हाँ कह दे, हाँ बोल दे कन्हैया, हाँ बोल दे कन्हैया, हाँ बोल दे। हाँ, you can do it, yes yes। अरे क्या नहीं, हाँ बोल दे। हाँ हाँ कह दे कन्हैया, हाँ। अबे सेट रेडी, अबे लाइट रेडी, अबे एड़े प्रोजेक्टर मारना, अबे चिंकी क्लैप, खोले शॉट वन टेक वन, एक्शन। अरे मैं अपना तांगा खुद चला चला के थक गई हूँ बन्नो। सोचा था चीरू चलाएगा, लेकिन वो मुझे छोड़कर लंबू के साथ भाग गया। क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि पहले उनकी सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन अब दोस्ताना हो गया है। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ बन्नो। तुम कहो तो तुम्हारे तांगे की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ। कैसे फाकुर साहब, आपके पास तो हाथ ही नहीं है। अबे ये क्या मेरे मुंह में कहाँ डाल रहा है बे? वहाँ दे। चप्पल। पचास पचास कोस दूर जब गांव में होली होती है तो माँ कहती है सो जा बेटी सो जा, वरना अपनी पिचकारी लेकर चब्बर आ जाएगा। यूकी, कब है होली? होली कब है? अरे ओ घसंती, कितने आदमी थे? नहीं मालूम, 50 के ऊपर की गिनती मुझे नहीं आती। घसंती, इस कुत्ते के साथ होली मत खेलना। ठीक है फाकुर, घसंती के लिए टॉस करते हैं। नहीं। ये ले, नहीं। कर टॉस। ठाकुर साहब, आपके हाथ और हाथों में बंदूक। यस, होली कब है? कब है होली? अब है होली। कट, फैंटास्टिक, पैक अप। हेलो सर, टू आइसक्रीम्स प्लीज। कापा कोन? कोन्स प्लीज। Thank you. रब की कवाली है इश्क़ को, दिल की दीवानी है इश्क़ को, महके से प्यारी है इश्क़ को, ये सुबह की लाली है इश्क़ को। पहले आइसक्रीम खा ले, फिर उसको खा ले, मतलब देख ले, ये ले। अबे क्या यार। अच्छा सुन, मैं बाथरूम जाके आ रहा हूँ। सुनना, कहीं जाना मत, इधर ही रुकना, इधर ही जाना। हाँ, ठीक है। बाथरूम जाके आ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई रॉकी। मुझे ना लव एट फर्स्ट साइट हो गया। किससे? चूहे से? नहीं, उस लड़की से। ओ, लेकिन पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। यही सोच रही होगी कि तुझे बच्चों जैसे खेलने में मजा आता है,
और क्या पता अगर उसे भी बच्चों से खेलने में मजा आता हो तो यू समझ ले कि तुझे अपना सच्चा प्यार मिल गया। शट अप, तू यू रेटेड लव स्टोरी को ए रेटेड बनाने पे क्यों तुला है? हर लड़की सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं होती। मेरा भी एक सपना है कि मेरी एक परफेक्ट वाइफ हो जिसके साथ मैं अपना घर बसा सकूं। परफेक्ट वाइफ? हाँ, और वो भी बैंकॉक में। हाँ, मिलेगी, चल ढूंढते। लेकिन उसके पहले ना शूटिंग पे चलते, मिकी हमारा वेट कर रहा है। हाँ? चल चल चल, सच्चा प्यार हो गया। एक मिलन, सेनवान, शतवान, तेकवान। जब तक हम किसी के हम दर्द नहीं बनते, तब तक दर्द हमसे और हम दर्द से जुदा नहीं होते। मुझे तो मीठा दर्द देने आ जाओ गुरु। आ रहा हूँ, बस तेरी गलियों में ही हूँ। लिफ्ट 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 लिफ्ट। तुम कौन हो? कौन है आयशा? वो जो भी है मेरे बगैर शुरू मत करना। अच्छा, जल्दी आ जाओ तुम। लिफ्ट 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 लिफ्ट। वाओ, स्क्रू ड्राइवर। फिकर मत कीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ए विलन, तो फिर हो जाए मिलन। कट! फैंटास्टिक! बिस्तर में मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही सोचती रही। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिन में आता हूँ, रात में नहीं। ये जीना भी कोई जीना है जिसमें कोई लिखना हो। कभी डेविल आपके नीचे, कभी आप डेविल के नीचे। टू मच फन। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू मैन। फलोर से आती है कंप्लेन, मेरी बिल्डिंग वाले मुझसे तंग हो ना जाए। फर्स्ट फ्लोर से आती है कंप्लेन, मेरी बिल्डिंग वाले मुझसे तंग हो ना जाए। यार फ्रेंड मेरे नाच रहे हैं, मेरी पड़ोसियों से जंग हो ना जाए। क्योंकि आज हाउस पार्टी है, 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 पार्टी 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 है। शुतल खोलो, दारू से मुंह को धोलो, आंखों से काम चला लो, होठों से कुछ ना बोलो। इतना ना पी कि चढ़ जाए सर पे, फिर तू कहेगी मुझे छोड़ आओ घर पे। मस्ती करो जी, किस बात का डर है, रेंट पे नहीं मेरा खुद का घर है। घर की दीवारें सारी कांप रही है, क्योंकि बाजू वाली आइटम घर में झांक रही है। साइड है मुझे क्या पता, मेरी क्या खता, मुझे
खबर क्या रॉन्ग क्या राइट है, अफसाना लिख रहा हूँ दिल बेकरार का, आज करनी है पार्टी क्योंकि दिन है एतवार का, तो कर ले तो कर ले तो कर ले तो कर ले क्योंकि आज हाउस पार्टी है, 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 पार्टी 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 है, आज हाउस पार्टी है, आज हाउस पार्टी है, आज हाउस पार्टी है, पार्टी 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 है, आज हाउस 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 पार्टी है। लड़की पर नहीं गिरे, फिर भी तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ा। वो मेरी किस्मत ही ऐसी है। आ। उस दिन आइसक्रीम खाते खाते एक चूहा मेरे पैंट में घुस गया था, लेकिन जब तक मैंने उसे निकाला तुम जा चुकी थी। I'm so sorry. फिर लिफ्ट में भी गलतफहमी हुई। I'm really, really sorry. मैंने तुम्हें शक्ति कपूर समझा, लेकिन तुम तुषार कपूर निकले। It's okay, it's okay. वो मेरे डैड को भी सब शक्ति कपूर ही समझते हैं। Hi, I'm Shalu. So, how can I make up with you? You can make out with me. What? I mean, you can go out with me. Oh. Coffee or dinner, जिससे भी भरे तुम्हारा पेट. Can we go on a date? नेक काम में नहीं करते लेट. Of course, I'll go on a date. Ten one, shot one, take one. Action! I'm nervous, yaar. Kaniya, focus, focus. Come on, kuch kar kar kar. Focus. 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 मुझे भी suddenly performance pressure हो रही है. एक काम कर. ये ले. ये क्या है? Stay on. हाँ. इसे लेके. You will stay on and on and on. Oh, Nadal, darinde garaja. Oh, Nadal, darinde garaja. Abhi ladki chhod, guitar pe focus mar. तुम दोनों ने क्या बात है यार।
शालू, यस, क्या तुम मेरे होने वाले बच्चों की माँ बनोगी? क्या? I mean, will you marry me? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो प्लीज ये अजीम तोहफा कबूल करो। लुसेरा, वाओ, लुसेरा का डायमंड? लुसेरा के डायमंड तो बहुत बड़े होते हैं। और तुमने कहा था कि तुम्हारी फैमिली बहुत रईस है, तो फिर इतना छोटा डायमंड क्यों? मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी कि बेटा, जो लड़की छोटी चीज में ही खुश हो जाए, वो बाद में बड़ी चीजों को देखकर और खुश हो जाती है। छोटी हो या बड़ी, मुझे तुम्हारी हर चीज चाहिए। Of course, I will marry you. Action! अबे सालो गधो, अबे मेरे पे नहीं, उन दोनों पे डालो बे। मैं डालूं? अरे नहीं बाबा, तू कुछ मत डाल, तू वहां जाके खड़ा रहे। अबे टकले, कहां से लाए इन लोगों को? हट, चलो वन मोर एक्शन। अरे बाबा उठे दर जहर उठे, जब खबर उठे के ओवे पिंगम पिंगम। अबे टकले येड़े, अबे टकले जूम मार। Who are you? जिसका सबसे बड़ा चिंगम, वो फक्त दाजीराव पिंगम। इसका सीक्वल पिंगम रिटर्न्स, रिटर्न्स, रिटर्न्स। माजी लटकली। एक्सीलेंट शॉट, बहुत बढ़िया। तुम लोगों के साथ नेक्स्ट फिल्म बनाऊंगा, लंदन ड्रीम। डन ब्रो। इसको क्या हो गया? हेलो, हाय शालू, एक मिनट। शालू का फोन है, चुप बैठो। हाँ शालू, हाँ क्या कर रहे हो? वो मैं टीवी देख रहा था। हाँ अच्छा, लेकिन टीवी की आवाज तो आई नहीं रही है। टीवी की आवाज, वो मैंने म्यूट पे रखा है ना, चैनल चेंज कर रहा था। अच्छा, क्या आप मोटापे से परेशान हैं? हार मत मानिए, मैं भी पहले बहुत मोटी थी, लेकिन अब मैं पतली हो गई हूँ, देखिए। आलो बड़े करारे नहीं आ रहे, आलो बड़े करार, बड़े करारे नहीं आ रहे, आलो बड़े करार। डॉन को जंगली बिल्लियाँ बहुत पसंद है, वाइल्ड एंड जूसी। बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। वाव, आज टीवी पे काफी एक्साइटिंग चीजें चल रही हैं। हाँ शालू, हाँ आज टीवी बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए कॉल किया था, वॉल्यूम कम कर दो। बेबी डॉल में सोन। कन्हैया, मैंने अपने डैड से हमारी शादी की बात की, और वो मेरी फैमिली के साथ तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहते हैं। क्या? लेकिन इस वक्त तो मेरी फैमिली यहाँ है नहीं। नहीं है तो बुलाओ उन्हें, तुमने कहा था यू विल मैनेज। देखो मेरे डैड संस्कार, परिवार, इन चीजों को बड़ा मानते हैं। जब तक वो तुम्हारी फैमिली से मिलकर उन्हें जान नहीं लेते, तब तक वो हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। उसके बाद सबके सामने बाऊजी से मेरा हाथ मांग लेना। सिर्फ हाथ क्यों, मुझे तो पूरी की पूरी शालू चाहिए। वैसे संस्कार, परंपरा, परिवार, ये सब तो पता था, लेकिन तुम्हारे डैडी सूरज बरसाते की फिल्मों के बाऊजी जैसे होंगे, ये पता नहीं था। हाँ सही पहचाना, लेकिन मेरे डैड बरजातिया नहीं, कर जातिया है। सूर्या कर जातिया। कर जातिया? हाँ। कब मिलना चाहते हैं वो मेरी फैमिली से? दिस वीकेंड, सैटरडे को। बाय। सैटरडे?
अबे तूने उसे क्यों कहा कि तू रईस है और वो सात समुद्र पार करके तेरे पास आ जाएंगे? तुझे याद नहीं जब तुझे घर से बाहर निकाला गया तो किसी ने तुझे रोका नहीं? तो क्या कहता कि बाप ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया और अब मैं यहाँ हॉट फिल्मों में एक्टिंग कर रहा हूँ? हाँ, झूठ बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इस बार झूठ मैंने अपने प्यार के लिए बोला। अबे जब तेरा झूठ पकड़ा जाएगा तब तेरे प्यार का क्या आचार डालेगा? अबे तेरे माँ बाप मिलाने के चक्कर में तेरी माँ बहन हो जाएगी, कहाँ से लाएगा तू फैमिली? कन्हैया, हाँ, फैमिली तुझे मिल सकती है, लेकिन उसके लिए तुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी। फैमिली प्लानिंग? व्हाट आर यू मैड? ए मिकी, तू पागल हो गया क्या? तेरा मतलब ये पॉन एक्टर्स मेरी फैमिली होने की झूठी एक्टिंग करेंगे? अरे रहने दे यार, मैं कुछ और ऑप्शन सोच लूंगा। अरे यार तू समझ नहीं रहा है, तू इधर आ, इधर आ, देख देख इनको गौर से देख। क्या बोलता है? नहीं नहीं, दिस इज बुलशिट, ये नहीं हो सकता यार। अबे इसकी मत सुन, तू गौर से देख। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, let him visualize. कहाँ मिलेंगे ऐसे पवित्र रिश्ते? क्यों कर रही है? हाँ, सक्कू और मेरे लिए मेरी दो बहने बनेंगी। बहने? और ये दोनों मेरे जीजा जी। अरे एक मिनट, एक मिनट, तेरे बाप का रोल कौन करेगा? क्या अभी तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है? नहीं, अरे यू विल बी परफेक्ट। अबे चुप, क्या परफेक्ट? पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे हम लोग, और जेल जाने के लिए मैं कुछ ज्यादा ही चिकना हूँ। अरे वहाँ पर शावर में साबुन गिरा ना तो मैं किसी को कुछ भी दिखाने लायक नहीं रहूंगा, मालूम है क्या? तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, तुम्हारा फैमिली ड्रामा टीवी सीरियल समझ रखा है। अब तेरे बाप का रोल कौन करेगा? हाउ मीन कन्हैया, तुझे मैं तेरे बाप की उम्र का दिखता हूँ। अबे बाप बनने का सिर्फ नाटक करना है। चल डन, तेरे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। देख, जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी का बाप तो बनना ही है। शुरुआत मैं तुझसे करूंगा। जीता रहे बेटा। अबे सुन, ये सब आसान नहीं होगा। ये लोग पॉन एक्टर्स हैं, थिएटर एक्टर नहीं है। इन लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। या, यू आर राइट। लेकिन इस फिल्म को डायरेक्ट मैं करूंगा। डन डन। एक्शन। अरे कर जातिया मामू, अगर तूने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं करवाई ना तो तुझे ठोक डालूंगा साले। अबे तू क्या बक रहा है? अरे यार बेटा, मैं तेरे को दिल से प्यार करता हूँ, दिल से। अबे मिकी, दिल तो लेफ्ट साइड पे होता है ना? अरे वो सारा दिन मैं हिलता रहता हूँ ना, तो दिल भी लेफ्ट और राइट ही होते रहते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, कल मेरी किडनी पाँव में चली गई थी, सारा दिन अंगूठे से सुसु करना पड़ा। देखो सकू, हाँ। आज से मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। छोटा भाई, बिहेव योरसेल्फ। कर जाते हैं परिवार के सामने, तुम्हें मेरी बहन की एक्टिंग करनी है, ओके? बहन, ओके। चलो चलो चलो, अब जाओ और थोड़े कपड़े पहन कर आओ। और कपड़े? नाउ सक्कू प्लीज गो, नाउ प्लीज। चल चल चल, जा जा जा। ये क्या पहना है? सारी। क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? ये कैसे पहना है? फूलों का, तारों का, सबका कहना है, इतना सारा कपड़ा मैंने कभी नहीं पहना है। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन जो भी पहना है जरा ढंग से पहन कर आ जाओ, ओके? नाउ गो 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 गो। नमस्ते। नमस्ते जी, आप क्या करते हैं? हमारा लेने देने का बिजनेस है। हम कभी लेते हैं तो कभी खुशी खुशी देते हैं। ओह माय गॉड, मेरी शादी तुम दोनों के हाथ में है, प्लीज डोंट रुइन इट। जाओ जाकर अपने रोल की ठीक से प्रैक्टिस करो, जाओ। पता नहीं क्या होगा मेरी शादी का। ओह, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये गुरुकुल के तीन नियम है। हाँ। जो मैं खुद फॉलो नहीं कर पाता तो अपने बेटे को काय को बोलूं। एक काम करता हूँ, मैं तेरी शादी ट्वीट कर देता हूँ, शालू वेट्स का नैया। अबे मिकी, ये मजाक खत्म कर यार, तूने अब तक मेरे बाप होने की ढंग से प्रैक्टिस की नहीं है। अरे सफेद बाल ही तो लगा कर आने, तू टेंशन काय को लेता है? ऐसा बाप बनूंगा कि शालू का बाप देखता रह जाएगा। हेलो करचातिया अंकल, आप चाय बिस्किट कुछ लेंगे? नहीं 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 नहीं, मेरे लिए स्टॉप 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 स्टॉप।
तुम्हें मेरे होने वाले ससुर को सिर्फ चाय ऑफर करनी है और कुछ नहीं, और ये टांग उठाकर तो बिल्कुल नहीं। चलो तुम लाइन एक और बार फिर से ठीक से बोलो। हेलो मिस्टर खजातिया, अब क्या लेंगे? गुड, सबको देखो, बी सीरियस गाइस, तुम लोगों ने अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो मेरा शादी से पहले ही डिवोर्स हो जाएगा। ओ ताकी 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 रे ताकी, ओ ताकी ताको मत पर जो पायला जीतू रो बेटा, कन्वर लाल, ओ सॉरी कर जातिया, तुम्हें अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे नहीं होगा। एक दिन ये लड़का देश में एकता लाएगा। अरे मुसाफिर हूँ यारो, न घर न ठिकाना, मुझे चल के जाना है एकता। अरे ऐसे नहीं, ठीक से पहनो, ऐसे ठीक से। मेरे होने वाले ससुर के सामने अपने पल्लुओं को संभाल के रखो, ओके? हाँ ओके। और हाँ, एक बार और अपना नाम दोहराओ। सुशील। संस्कार। साक्षी। सुंदर। अब याद रखना, भूलना मत। ये मिकी कहाँ मर गया? लगता है आ गया। All the best. All the best. Come on, we can do this. नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते। कन्हैया, ये मेरे बाऊजी हैं। और इनकी तारीफ? शालू का फादर? नहीं नहीं, मैं आपके पोपट की बात कर रहा हूँ। ओहो, अरे पोपट की बात कर रहे हो तो पोपट को देखकर करो, मुझे देखकर क्यों कर रहे हो? बाऊजी, कन्हैया का एक प्रॉब्लम है, जब भी ये लाल रंग देखता है इसकी आंखें लुकिंग चाइना टॉकिंग टोक्यो हो जाती है। कन्हैया फोकस फोकस फोकस। तुम्हारी बाकी की फैमिली कहाँ है? वो बाद में आएंगे। ओके ओके, आइए, अब आइए ना अंदर। आइए आइए आइए। हाय लालू बाबा। जी पिता जी, पिरो आइए बैठे ना। नहीं, वो मुझसे नहीं होगा, मैं बैठ नहीं सकता। क्यों? बाऊजी को एक बीमारी है, उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज होने के कारण वो ना ही बैठ सकते हैं ना ही लेट सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा खड़ा ही रहता हूँ, और मेरे साथ मेरा पोपट भी हमेशा खड़ा रहता है ना प्रेम? प्रेम? प्रेम नाम है इसका, प्रेम कर जातिया। वैसे आपका पोपट काफी बड़ा है। हाँ, बचपन में मैं छोटा था तो ये भी छोटा था, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा पोपट बड़ा होता गया, और मुझसे ज्यादा मेरी स्वर्गवासी पत्नी को मेरे प्रेम से बेहद प्यार था। तो ये है तुम्हारी फैमिली? हाँ, ये मेरी बहन संस्कार है। नमस्ते। और ये इनके पति सुशील। वाह, संस्कार सुशील, बहुत ही सुंदर नाम है, संस्कृति से भरे हुए। वैसे तुम क्या करती हो संस्कार? जी मैं देती हूँ। क्या देती हो? गरीब बच्चों को एजुकेशन, विधवा माओ को इंस्पिरेशन, हाउ नाइस, और कुवारे मर्दों को बेसन। हाँ। इनके पति का बेसन का बिजनेस है, बेसन के लड्डू, बेसन का आटा, बेसन का हलवा, हर किस्म के बेसन में ये मास्टर है। ओह अच्छा, मुझे भी बेसन बहुत पसंद है, कभी कभी आपके बेसन का मजा हमें भी उठाने दीजिएगा। ऑफ कोर्स, आपका जब भी मन हो मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर दूंगी। इनकी सांस क्यों फूल रही है? आस्थमा। कभी कभी मेरी बीवी को आस्थमा का अटैक आता है। कन्हैया, ये इस तरह खुजा क्यों रही है? वही मेरी दूसरी बहन सक्कू, आई मीन साक्षी है, और कभी कभी इन्हें एलर्जी हो जाती है, इसीलिए खुजाने लगती है। अच्छा। आप इनकी फिक्र मत कीजिए, ये ठीक हो जाएगी। और ये नौजवान कौन है? ये इनके पति सुंदर है। नमस्ते। अच्छा, कहीं उनका भी ये आपके पहले जीजू की तरह बेसन का बिजनेस तो नहीं? हाँ जी, आपने सही पहचाना, हम दोनों फैमिली बिजनेस में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। वाह वाह वाह, I love the family that works together, eats together, and sleeps together. प्रेम, प्रेम चिंता मत करो, वो सिर्फ हंस रहे हैं।
ये मिकी कहाँ मर गया? कौन मर गया? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपसे मिलकर मेरा मन भर गया। मेरा भी मन भर गया बेटा, लेकिन तुम्हारे माता पिता कहीं नजर नहीं आ रहे। वो बेटा मैं आ गया। आ गया। शेके डैडी। आप बाप कन्हैया'स फादर। ओ आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा मेरे पोपट को भी बहुत खुशी हुई। वाओ काफी बड़ा पोपट है आपका। अरे नहीं नहीं बेटी डार्लिंग तुम यहाँ आओ, इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था मैं। काफी सॉफ्ट है यार। डैडी डैडी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? साले अपने होने वाली भाभी पे चांस मत मार। और तू 2 मिनट लेट आता तो मेरे अंतिम संस्कार में पहुंच जाता। वाह 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 सुंदर अति सुंदर। देखा ये बाप बेटे का प्यार कैसे उछल उछल के बाहर आ रहा है। दोनों कैसे प्यार से खुसुर पुसुर कर रहे हैं। इसे कहते हैं संस्कार। जी आपने मुझे बुलाया? नहीं 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 बहना नहीं, ये तुम्हारी नहीं, इन जनरल संस्कारों की बात कर रहे थे। वैसे लेकिन कन्हैया तुम्हारी माता जी अभी तक नजर नहीं आई। माता जी माता जी माता जी माता जी कहाँ है पता नहीं। वो एक लंबी कहानी है। लंबी है, बहुत लंबी है। बेटा मैं आ गया। What? रॉकी 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 कहीं गाड़ी निकल भाग चलती है। आप कौन है? मैं कन्हैया का फादर हूँ। डैडी आप भी फादर, ये भी फादर, इतने सारे फादर। मैं वो फादर हूँ जिसने इसे जन्म दिया। और ये वो फादर है जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा। इसीलिए कन्हैया हम दोनों को पिता मानता है। अरे सिर्फ हमें ही क्यों बल्कि दुनिया के सारे मर्दों को ये पिता समान मानता है। डैडी वाह कितने उच्च विचार है आपके पुत्र के। अगर हर इंसान इस तरह सोचता रहा तो सारी दुनिया भाई बहनों की तरह रहेगी। लेकिन एक बात बताइए, संस्कार और कन्हैया तो भाई बहन लगते हैं, लेकिन आपकी ये सुपुत्री अलग नहीं लगती? ये तो इसे तो हमने बचपन में ही गोद ले लिया था। Who's my daddy? बच्चे, आखिर बच्चे ही रहेंगे। आप जरा आराम कर लीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या आई मीन आप थक गए होंगे लॉन्ग जर्नी से। साक्षी जाओ तो मैंने बेडरूम दिखाओ। बेडरूम एनीटाइम इट्स माय फेवरेट प्लेस। एक्चुअली तुम कुछ मत दिखाना, लगता है फिर से दौरा पड़ गया। एक काम करते हैं जीजू तुम्हें ले ले जाओ। हाँ चलिए चलिए। जी बिल्कुल, आइए मैं आपको आपका बेडरूम दिखा देता हूँ। ये कहे पगली, गंदी एक्ट्रेस कैरेक्टर से बाहर जा रही है। अबे या क्या बाथरूम में बंद करो इसे। क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? और तू यहाँ कहाँ से आ गया? अबे तेरा दोस्त हूँ मैं, तुझे लटकता कैसे छोड़ देता। अब कौन आया है? मैं जाके देखता हूँ। अंदर क्यों जा रहे हैं? अरे आप हैं कौन? ये कौन सी भाषा बोल रही है? देखिए बहन जी, लगता है आप गलत पिक्चर में घुस गई हैं। यहाँ वैसे ही सब गोलमाल है। मैं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। मैं सिंदूर बुआ हूँ, करजातिया जी की विधवा गूंगी बहन। ओह नमस्ते नमस्ते। अगर अंधी भी होती तो ब्लैक 2 में रानी मुखर्जी का रोल भी कर सकती। एक तुस्की आई मीन एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। ओ बाबू राव एक मिनट सुनो, ये आप लोगों का जो उईयापा है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं मेरा मतलब आप पहले उआ उआ करती हैं, फिर ये कुत्ता भौंकता है। ए, कुत्ता नहीं, इसका नाम शक्रु है। शक्रु? अरे वाह फिर तो अपने बहुत कम आएगा। एनीवेज
आई सकरू साहब भोगते हैं, फिर आप भोगते, आई मीन बोलते हैं, ये थ्रीसम का क्या चक्कर है? वो क्या है ना, सिंदूर बुआ की बात ये सकरू समझता है और सकरू की बात मैं समझता हूँ। वैसे ये खलनायकों में एक ही नायक है, कौन है ये? आप ऊपर क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अपने भाई के बगल के कमरे में। जीजू और बहना, आप इन्हें अंदर ले जाओ। नमस्ते जी, आइए आइए। अब कौन आया? अरे जब भी ये घंटी बजती है कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। अरे तू चुप कर रहा, एक मिनट जा जाकर देख कौन सी नई मुसीबत आई है। ओह माय गॉड, अब ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है जैसे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। मुसीबत ही आई है, मतलब मेरा असली बाप आया है। क्या? पर उन्हें यहाँ का पता किसने दिया होगा? मैंने। क्या? तेरा दोस्त होने के नाते मैंने उन्हें फोन किया और सब कुछ बता दिया। क्या? उन्होंने मुझे गाली दी और फोन काट दिया। मुझे नहीं पता था कि वो खुद यहाँ आएंगे, इसलिए तेरी मदद करने के लिए तेरा बाप बनकर मैं खुद आ गया। अब सारा प्लान चौपट हो गया। अबे तुझे और कोई मौका नहीं मिला अपनी दोस्ती जताने के लिए? सॉरी यार, लेकिन दरवाजा मत खोल वरना बाबूजी के सामने खड़ा हो जाएगा तेरे बाप का ट्रिपल रोल। तो क्या उन्हें बाहर ही खड़े रहने दो? रहने देना, वैसे भी तेरी मासी को अच्छा लगेगा। हट चल। कुछ देर बजाएंगे फिर चले जाएंगे। घंटी घंटी। अबे मेरा बाप बजाकर जाने वालों में से नहीं है, आकर बजाने वालों में से है। मुझसे बेहतर और कौन जानता है? क्या? अरे कोई घंटी बजा रहा है और तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो? घर आया मेहमान तो भगवान का रूप होता है बेटा, चलो खोलो खोलो। ये मेहमान हमें भगवान के पास भेज देगा। मैं तो खोलने वाला था बाबूजी, लेकिन इतनी देर तक या तो पुलिस घंटी बजाती है या फिर भिखारी। पुलिस तो यहाँ आएगी नहीं, इसलिए सोचा शायद भिखारी होंगे। भिखारी भी तो भगवान का ही रूप होते हैं ना बेटा। चलो मैं खोलता हूँ। नहीं, 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 मेरे होते आप क्यों खोलेंगे? आप बुजुर्ग हैं, मैं खोलता हूँ ना, आप अंदर जाइए, 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 जाइए। इन कामों की कोई उम्र थोड़ी ना होती है बेटा, ये तो रोज का काम है। चलो खोल दे दरवाजा। हेलो, आइए भाई साहब। वैसे तो आप खाते पीते घर के लगते हो, तो इस तरह बड़ी बड़ी सूटकेसेस लेके भीख क्यों मांगते हो? इंटरनेशनल खिलाड़ी सुना था, इंटरनेशनल भिखारी पहली बार देख रहा हूँ। भिखारी होगा तू, तेरा बाप, तेरी पैदा होने वाली औलाद। क्या हम तेरे को भिखारी लगते हैं? मेरा नाम है मिस्टर पी के ले ले, और ये सामने जो हैंडसम लड़का खड़ा है ना, इधर देख, मैं इसका बाप हूँ। महाशय जरा तमीज से बात कीजिए, ये जिस हैंडसम लड़के की आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसका होने वाला ससुर हूँ, सूर्या करजात्या। करैया, ये भी फादर, वो भी फादर, वो भी फादर, इतने सारे फादर। बोला बोला। Yes, and no, and that is my mother. कन्हैया, ये सब क्या चल रहा है? ये कौन से बापों की बात कर रहे हैं? ये मेरे बापों की नहीं, आपके पापों की बात कर रहे हैं। अभी चले, मैं बाद में समझाता हूँ, पहले आराम करो। कहाँ जा रहे हो तुम? ये बूढ़ा मुझे भिखारी क्यों दे रहा है? बूढ़ा साला। कन्हैया, ये तुमने अचानक उन दोनों को ऐसे कमरे में बंद क्यों कर दिया? और यहाँ ये क्या लगा रखा है, बापों का मेला? वो मेला नहीं, वो सौतेला, सौतेला। हाँ, सौतेला। हाँ, मैंने कहा था ना, लंबी कहानी है। वो मेरी माँ, जो कुछ साल पहले तक मेरी मासी थी, वो उनका होने वाला पति है, मेरी सौतेली माँ का सौतेला पति, यानी मेरा होने वाला सौतेला बाप। लेकिन अफसोस, मेरी सौतेली माँ मेरे बाप की सौत यानी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ आ गई है। इसका मतलब है तुम्हारी मासी अब तुम्हारी माता जी है? है भी और नहीं भी, एक्चुअली मेरी मासी मेरे असली बाप को अपने नए बॉयफ्रेंड के लिए छोड़ चुकी है। हाँ, नहीं समझा। एक मिनट बेटा, तुमने अभी तक जो कुछ भी कहा वो जरा हिंदी में समझाओ। अरे बाबूजी, बेसिकली माधुरी मोनिश महल को छोड़कर दोबारा सलमान के साथ दिल बहला रही है। ओ, तो ऐसा बोलो ना, अब समझ गया मैं। लेकिन अब क्या करे, तेरा बाप तेरी मासी का दीवाना, पर वो डाले दूसरे मुंडो को दाना। मैं आपका इमोशन समझ सकता हूँ समधी जी, लेकिन आपके बेटे ने उन दोनों को अंदर कमरे में बंद क्यों कर दिया? वो क्योंकि मैं जानता था कि मेरे असली फादर मेरी सौतेली माँ को उनके नए बॉयफ्रेंड के साथ नहीं देख पाएंगे बाबूजी, और अगर इन्हें कुछ भी हो गया ना, तो मैं एक ही झटके में फादरलेस हो जाऊंगा। पापा। How sad. समधी जी, मुझे ये जानकर बेहद पीड़ा हुई कि आपकी घर गृहस्थी में कोई मस्ती करने के लिए घुस गया है। दोस्त कन्हैया की मासी कभी है ना, वो मस्ती ना होती मस्ती।
लेकिन मैंने इस बात से समझौता कर लिया है, जो हो गया सो हो गया, कोई और उनके साथ सो गया। अरे लेकिन उनके साथ मेरे होते हुए और कोई सो कैसे सकता है? क्या? मेरा मतलब है मैं जगाऊंगा। किसको? उनके प्यार को, जो कभी उनके दिल में आपके लिए था। यही रीति है, यही रिवाज है, यही संस्कार है। लेकिन आप तो एक दो दिन के मेहमान है ना? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है आप एक दो दिन के लिए आए हैं, रिश्ता तय करेंगे फिर चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं अब सारे रिश्ते तय करने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। मेरी बेटी का भी और मेरी बेटी की होने वाली सासू माँ का भी। चलो बेटी। अब मैं तेरे बाप के चक्कर में हम सबकी माँ की आंख हो गई। अब वो तेरी माँ जैसी मासी को तेरा असली बाप जो असल में नकली है उससे मिलवाना चाहता है। अब कल तक जिसे कह रहा था मैं आंटी, आज उसके साथ कैसे हो जाओ आंटी? तू दूर रहना उनसे, सगी माँ नहीं हुई तो क्या हुआ, उन्होंने मेरी कई गंदी चड्डियां बदली हैं। हाँ मैं तो उससे दूर रहूंगा, लेकिन वो कर जातिया हम दोनों को बार बार पास निकलने की कोशिश करेगा। यार जो भी है, तेरी मासी ना काफी मिल्फ टाइप की लगती है। अरे मासी आई लव टू फेसबुक यार, क्यों तुझे क्या लगा? अबे मुझे लगा नहीं, मेरी लगी है। अबे दरवाजा खोल वरना तेरा बाप ठोक ठोक के दरवाजा तोड़ देगा। खोल खोल खोल, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है क्या? तो मैं गिर जाती। मैं आपको कैसे गिरने देता? आखिर आप कन्हैया की मासी, अभी माँ है ना? अगर मैं गिरता तो आप भी मुझे ऐसे ही संभालती ना? आप गिरिए तो सही, फिर देखना मैं आपको कैसे संभालती हूँ। तू ये गिरी हुई हरकतें बंद कर। और बेटा मुझे बता, ये सब हो क्या रहा है? हाँ? तूने हमें अंदर बंद क्यों किया? वो आपको और मासी को कर जाते के पोपट से बचाने। उनका पोपट कितना प्यारा है ना। चुप कर और दूसरे मर्दों के पोपट की तारीफ करना बंद कर। खूबसूरत खूबसूरत औरत को देखकर वो पागल हो जाता है। हाँ। हाँ। इसलिए डैड मैंने आपको करजाते के ठरकी पोपट से बचाने के लिए अंदर लॉक कर दिया। हाँ। हाँ। अरे सर वो पोपट अपनी हरकतों की वजह से बैंकॉक में भी काफी बदनाम है। हाँ। मैं शक्ल से पोपट लगता हूँ? हाँ। 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 नहीं, मेरा पोपट बनाना बंद करो। और बेटा मुझे एक बात बता, ये तुम्हारा कमीना दोस्त रॉकी नहीं दिख रहा है? वैसे अगर मुझे फोन नहीं करता तो मैं इधर नहीं आता। पर कैसे नहीं आता, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं। रॉकी रॉकी। इसकी शक्ल मुझे रॉकी की याद दिला रही है। रॉकी? कौन रॉकी? बड़ा ही बेशरम और घटिया किस्म का आदमी था, उसकी वजह से इसकी जो नानी है ना सुपर नानी बन गई, यानी कि मर गई। रॉकी मेरा चेहरा उसके साथ कैसे मिलता जुलता है? ये देखिए, ये कैसे हो सकता है? ये देखिए। हाँ यार ना? ये तो बहुत बड़ा है। ओह माय गॉड, सॉरी 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 यार, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। I forgive you. वैसे बेटा एक बात तो बताओ, ये करजातिया इनको तुम्हारा बाप क्यों बोल रहा था? बाप? बाप नहीं, ये बॉस है मेरे। पर जब से मैं यहाँ आया हूँ इन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा रखा है। इन्होंने मेरे उस टैलेंट को देखा जो पहले आपने कभी नहीं देखा, इसीलिए करजातिया जी की आंखों में ये मेरे पिता समान है। वैसे ये सच में किसी के पिता है या अब तक कुंवारे है? तू क्यों जानने के लिए उछल रही है? बस जनरल नॉलेज के लिए। जनरली तुम्हारी जो जनरल नॉलेज है ना सिर्फ बेडरूम तक सीमित है। वैसे बेटा ये नेपाली कौन है? ये तो जी मैं वो हूँ जिसने इसके उस टैलेंट को देखा है जो इसके बाप ने भी नहीं देखा है। यानी कि ये इनके बाप की तरह है। और वो जो तीन चार यहाँ थे वो कौन? हम फ्रंट एंड है, वो बैक एंड है, और हम सब एक साथ काम में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अरे तुम लोग काम क्या करते हो? और गैनिक सैंडविच की हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उधर सब अलट पलट होके एक साथ काम करते हैं। कभी आइए आपको चटनी चखाएंगे। आप बहुत थक गए होंगे, मैं जरा आराम कर लेता हूँ। आप थक गए होंगे, आप जरा आराम कर लीजिए। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। आइए जाइए।
चटनी। हाँ जी निकल चुकी है। यार कन्हैया की मासी तो मुझे खोल के दे रही है। लाइन। अरे कन्हैया की सौतेली जवान मैया तुझे बनाना चाहती है सैया, तेरे साथ डुएट गाने के फुल मूड में है। चुप, बोल से भी कन्हैया के सामने ये बात मत बोलना। क्यों? वरना वो मेरी हड्डियां तोड़ देगा। उसे बस अपनी राधा के साथ बांसुरी बजाने दे। सिंगल अकेले हूँ मैं, ओह बॉय। अबे साले मतलब क्या तेरा? अरे मतलब ये है कि नए डीपी के चक्कर में क्लाइंट ने मेरा बीपी हाई कर रखा है। अरे इसको समझाना, मेरा वो धंधा है जिसमें रोज खड़ा होता नया बंदा है। अरे और इस काम के लिए वैसे भी मुझे सिर्फ दो चीजों की जरूरत है यार, एक कैमरा और कमरा, वेरी सिंपल। एक मिनट, ये सारे कंफ्यूजन में तू फिल्म कैसे शूट करेगा? अरे टेंशन मत लो, ऐसी खुफिया शूटिंग करूंगा कि किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा। एक अदनासी कली हिंदुस्तान की मलिका कभी भी नहीं बन सकती। चंपा कली कोई मामूली कली नहीं, कच्ची कली है। गोरी गोरी पान फुला सर की छान। अगर आप इसे अपना शाही टुकड़ा दे। अगर ऐसी बात है तो हम इस कली को दीवार में चिनवाएंगे नहीं, जन्नत में ले जाएंगे
Come on, baby. आपका शाही टुकड़ा देख के हमें डर लग रहा है जहाँ पनाह। जब प्यार किया तो डरना क्या? कट 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 कट। सीक्रेट कोड क्या है? जा देख। कन्हैया, तू यहाँ? तुम लोग यहाँ मुगले आजम शूट कर रहे हो? और वहाँ डाइनिंग टेबल पर बाबूजी मुगलाई खाना खाने के लिए रुके हैं। अरे 5 मिनट रुक जा, सिर्फ क्लाइमेक्स बाकी है। जल्दी कर, तू जल्दी कर। ए, रुक। सीक्रेट कोड क्या है? अरे अपनी सक्कू होगी सक्कू, ऐसी आवाजें वही निकलती है। चल उसको जल्दी अंदर ले। अबे वो गुंगी बेरी बुआ भाग रही है। आई होप उसने कुछ देखा नहीं हो। अगर देखा होगा तो शौक से अंधी भी हो जाएगी। तुम लोग से छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। हे रॉकी, ये सब क्या चल रहा है? एक्चुअली बैंकॉक का जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हम एक प्ले कर रहे हैं, पवित्र रिश्ते, उसकी रिहर्सल कर रहे थे। लेकिन ये लड़की इनके आगे झुककर क्या कर रही थी? वो एक्चुअली खाने से पहले अपने पिता के चरण धो रही है। खाने के पहले तो हाथ धोते, चरण कौन धोता है? हमारे खानदान में खाने से पहले सब कुछ धोते हैं। क्यों? क्योंकि हम खाने से पहले हाथ जोड़कर ईश्वर को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि ईश्वर को स्वच्छ मन और स्वच्छ तन से याद किया जाता है, है ना? हे ऊपर वाले संभाले। राधा के बिना शाम आधा कहते राधे शाम, बोलो राधे 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 बोलो राधे। राधा के बिना शाम आधा आधा आधा। यहाँ थाईलैंड में रहकर भी आप सब आपकी सभ्यता, आपकी परंपरा, आपके संस्कार को नहीं भूले, ये देखकर मन अति प्रसन्न हुआ है। क्यों ना हम सब कल पिकनिक पे चलें, ताकि एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह से जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। एक और बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी प्यारी बहन सिंदूर, जिसने अपनी सुहागरात पे ही अपना पति और अपनी आवाज दोनों को खो दिया, जिसके चेहरे पर मैंने सदा मायूसी ही देखी, जिसकी आंखों में मैंने हमेशा आंसू ही देखे, उसके चेहरे पर आज इतने सालों के बाद मैं मुस्कुराहट देख रहा हूँ। राधा के बिना शाम आधा कहते राधे शाम, बोलो राधे 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 बोलो राधे। राधा के बिना शाम खुशी तो दूर, वो खुशी खुशी यहाँ हमारे सबके साथ। मैं आपके लिए और कन्हैया की माँ के लिए खीर निकाल कर लाता हूँ। क्या? नहीं, मेरा मतलब है मैं आप सबके लिए खीर निकाल के ले आता हूँ। हेलो सर।
ये बाबा जी की बूटी कन्हैया के बाबूजी और उसकी मासी की टूटी फूटी मोहब्बत को फिर से टूटी फूटी बना देगी। खीर आ गई है, सबको खिलाओ। ये आपके लिए। थैंक यू। ये आपके लिए बहुत बढ़िया खीर है। हो क्या गया? थक ही नहीं रहे हो? प्लान सक्सेसफुल। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। बिल्डिंग के नीचे छुप जा। बिल्डिंग मतलब बेड के नीचे छुप जा, छुप जा, जल्दी करो, छुप जा। मेरी मूंछ खा, मेरी मूंछ खा, मेरी मूंछ खा। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? खुद मैसेज करके पूछते हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैंने मैसेज किया? Naughty boy. Let's have fun. पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। ये तो कन्हैया की आवाज है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कन्हैया दरवाजा खोलो। बाबूजी। कन्हैया सब कुछ ठीक तो है? हाँ बाबूजी। चिल्लाने की आवाज सुनी? नहीं बाबूजी, कोई टेंशन नहीं, जाइए ना, सो जाइए, देर हो गई है। हाँ। मैं भी सो जाऊंगा। हाँ। ओके। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। कम ऑन बेबी, कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नो वन विल कम, ओनली वी विल कम। देखिए कन्हैया मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि तुम उसके साथ ऐसा रिश्ता बनाओ जो उसके पापा भी नहीं बना पाए। कौन सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? एक दोस्त का। अरे दोस्त ही तो हूँ मैं उसका, मतलब दोस्त भी तो हूँ मैं उसका। तो आओ ना, इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं अभी इसी वक्त। शालू तुम्हें पता है ना लाल रंग से मैं। अरे ये क्या कर रही हो? I didn't mean that. You're okay? Focus करिया, focus, 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 focus. कन्हैया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। Come on baby. अभी नहीं, बाबूजी फिर से आ गए तो? I don't care. जब से तुम्हें देखा है दिल में बार बार एक ही ख्याल आता है। कौन सा? सुबह होने ना दे, शाम खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। मैं तेरा हीरो? हाँ। वो मेरी फेवरेट फिल्म है, मैं भी ड्यूटी लेकर आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? ड्यूटी लेकर आता हूँ। अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी मिल जाए। You mean खो जाए? या, whatever. चलो प्रेम। तुम मेरे पीछे पीछे क्या घूम रहे हो? मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ इस सकरू के साथ। ओ गुड नाइट। बोला था ना तुम्हें बाबूजी फिर से आ जाएंगे। अब चुप जाओ, चुप जाओ, चुप चुप जाओ। अबे तू इस वक्त मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहा है? अबे तेरी मासी ने मुझे क्या हुआ? अबे तेरी मासी मेरे कमरे में है, मुझे तेरा बाप बनाने पे तुली हुई है। 10 मिनट और रुकता ना तो 9 महीने बाद हमारी औलाद तुझे भैया बुलाती। कुत्ते, तूने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? अबे कुछ करना होता तो क्या मैं यहाँ होता? चल दिखा दो। यस यस या। अरे
bed and early to rise. Hakuna. Makes my baby healthy and Babuji! अरे बैगन कहाँ से आ गया? मजे मजा लेगा? इसको लेके जाओ। Lights off, back up. ये बिजली कैसे चली गई? चल 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 दिखा दो। चल। कमाल। इतना शोर था, इतनी रोशनी थी। यकायक ये क्या हो गया? बड़े अच्छे लोग हैं, खानदानी, सुशील, संस्कारी, है ना बुआ? इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बाथरूम ढूंढ रहा था, मुझे स्नान करना पड़ेगा। अपनी मासी को ऐसी उल्टी सीधी हरकत करते देखकर मुझे उल्टी आ रही है। इसमें जरूर करजाते का हाथ है, वरना मेरी मासी ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करती। अरे किसी भी तरह करजाते को रोकना होगा, वरना रोज रोज आंटी मेरी घंटी बजाने पहुंच जाएगी। उस बुड्ढे को समझाना होगा कि वो कितने भी पापड़ बेल ले, तेरी मासी दोबारा मेरे लिए पापड़ नहीं सेकने वाली। वो कैसे? उसे ये बोल के कि हाथ में पकड़ के बेलन, मेरे किचन में ऑलरेडी है दूसरी विद्या बालन। दूसरी विद्या बालन? मैं समझा नहीं। मतलब मेरी झूठ मूठ की गर्लफ्रेंड। झूठ मूठ की गर्लफ्रेंड? हाँ, मतलब तेरी झूठ मूठ की होने वाली दूसरी सौतेली माँ। अब देख तेरी फैमिली की क्लीन पिक्चर को कैसे बनाता हूं मैं डर्टी पिक्चर। ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूं। एंड आई लव यू टू। यस यस, डोंट वरी, आई मिस यू टू। अच्छा डार्लिंग, मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। लव। ये किससे बातें हो रही थी? लगता है मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे छुपा ही रहा था। लेकिन क्या करें, प्यार चीज ही ऐसी होती है, लाख छुपाओ और छुपते ही नहीं। मैं समझा नहीं। ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड? मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत शादी करने वाला हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश थी कि आप प्लीज मुझे और कन्हैया की मासी को, मतलब मेरी पहली बीवी को, एक साथ जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं। प्रेम? एक और माता? पता नहीं कन्हैया इतनी सारी माताओं को हैंडल कैसे कर पाएगा। वेल ठीक है, मैं आपकी इस नई जीवन संगिनी को मिलना चाहूंगा। क्या? आप उसे मिलकर क्या करेंगे? क्या करूंगा? अरे तसल्ली, जो औरत मेरी शालू की सौतेली सासू माँ बनने जा रही है, उसका रहन सहन, उसका चाल ढाल, उसका चरित्र कैसा है, वो तो जानना पड़ेगा ना। और उसके चरित्र से आपको क्या लेना देना? लेना देना क्यों नहीं, मैं आपके बेटे को मेरी बेटी खुशी खुशी देना चाहता हूँ। समझे जी, आप एक काम कीजिए, हम सब जा रहे हैं पिकनिक पे, आप भी आपकी नई गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ पहुँच जाइए अगले एक घंटे में। एक घंटे में? एक घंटे में? अबे रॉकी कैसे होगा यार? रॉकी अबे एक घंटे में अगर तूने मेरे होने वाले ससुर को मेरी होने वाली सौतेली माँ से नहीं मिलवाया तो घंटा मेरा ससुर मुझे अपनी बेटी देगा। घंटा नाए तर घंटा नाए। यार अगर तेरे दो दो नकली बाप आ सकते हैं तो क्या एक नकली सौतेली माँ नहीं आ सकती? माँ? जिमी, ये बुढ़िया की नियत ना मेरे को ठीक नहीं लग रही।
लगता है ले दे के ही छोड़ेगी। तूने किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? क्या बोलती है ये? मैं कल रात आपका कमरा ढूंढ रही थी। क्या क्या? ये क्या कर रही है ये? मुझे आपके साथ जेट स्की राइड पे जाना है। अबे कौन जाएगा तेरे साथ जेट स्की राइड में? अरे मुझे नहीं, ऐसा ये कह रही है। और तुम सिंदूर बुआ की बात टाल नहीं सकते। अरे आपको कौन मना कर सकता है? कम ऑन, आई विल टेक यू। बरजात्या जी, देखिए मैं अपनी विद्या को ले आया। फोकस 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 फोकस। बाऊजी आप बिल्कुल 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 क्या? बिल्कुल मेरी मेरी शालू की माँ पर गई है। क्या क्या? हाँ, आपको देखकर मुझे और मेरे पोपट को दोनों को शालू की माँ की याद आ गई। नॉटी। अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए उसकी तस्वीर, ये देखिए। अब ये कौन सा नया ट्विस्ट है? तू तो बिल्कुल भुट्टे की मरी हुई आइटम जैसा लग रहा है। आपको देखकर ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शहर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन। 1942 a love story? नहीं, 1972 a love story, जब मैंने शालू की माँ को पहली बार देखा था। और आज लग रहा है कि वक्त ने फिर से पलटी मारी है। मुझे लगता है हमें अब गलती मारनी चाहिए। आप ठीक तो है ना? भगवान कैसे कैसे खेल खेलता है। आपको देखकर मुझे सचमुच अपनी माँ की याद आ गई। मम्मी। बेटी बेटी। बाऊजी, ये कन्हैया कहाँ चला गया? मैं देखकर आती हूँ। चलो बेबी। आई मीन बेटी बेटी, मुझे मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। विद्या, जाने से याद आया, तुम्हें कहीं जाना था, पार्लर में अपॉइंटमेंट है ना? ऑफ कोर्स। अभी न जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। आपको आज तो मेरे साथ करके ही जाना होगा। क्या क्या? लंच। नॉटी। ललिता आओ, मेरा नाम है पीके लेले। नाइस टू मीट यू। ये खूबसूरत बला कौन है? ये विद्या है, मेरी गर्लफ्रेंड। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। वैसे आपको देख के ऐसे लगता है कि मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। लाइन मारने की बहुत पुरानी लाइन है। लेकिन आज भी चलती है। आप इनकी बातों पे मत जाइए, खो देंगी पहाड़ तो निकलेगा चूहा। और तुम्हें खो देंगे तो क्या शेर निकलेगा? अब रहने भी दीजिए करजाता जी, वैसे भी मुझे सच में जाना है, मेरा घर बहुत दूर है। पहुँचते पहुँचते 3 घंटे लग जाएंगे। वैसे ये हमारा बेटा कन्हैया कहीं दिख नहीं रहा है। उसके आने तक हम विद्या जी को नहीं छोड़ सकते। मेरे होते हुए कैसे आ सकता है? क्या I mean, मेरा मतलब है मेरे होते हुए वो कैसे आएगा? मैंने तो उसे पास के मॉल में भेजा है दवाई लेने, मेरे पेट के लिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा है तो हम सब मॉल जाएंगे, उसे ढूंढेंगे, लंच करेंगे और फिर घर जाएंगे। चाहिए विद्या जी। अबे तेरी माँ की, मतलब तेरी मासी की आंख मुझ पर अटक गई है। जब देखो आंख और चांस दोनों मारती रहती है। अबे मुझ पर तो मेरा अपना बाप चांस मारा था। अबे गलती तो तेरी है ना, मैंने बोला था ना नींबू रख। लेकिन तुझे तो संतरे चाहिए थे ना अबुगत। ये पहले पता था तो नींबू के अंगूर रखती, I mean, रखता। क्या हुआ? वो देख। आयो, आयो ने। आयो, आयो, गया। अबे मेरा ससुर है वो। अबे बात तो वही है ना, अभी कुछ करना तो पड़ेगा ना। चल जल्दी चल। विद्या जी, विद्या जी, विद्या जी, कन्हैया मिला? नहीं नहीं, यही कहीं होगा, हम भी उसे ढूंढ रहे थे। मिल जाएगा मिल जाएगा। और फिर हम कहेंगे बगल में छोरा मॉल में ढिंढोरा।
कर जाते जी, इस फ्लोर पर तो मिल नहीं रहे, चलिए दूसरे फ्लोर पर देखते हैं। उससे पहले इस दुकान में जाते हैं, धर्म या परिवार की कुछ फिल्में मिल जाए तो मजा आ जाएगा। चलो बेटी, हमें इस दुकान में धर्म या परिवार के नहीं बल्कि हमारे नकली परिवार के असली कर्मों की फिल्में मिलेंगी। हाँ यार, इससे पहले कि बाबूजी हमें नंगे और रंगे हाथों पकड़े, चल कुछ करते हैं। इस स्टोर के हर कोने में हम दोनों के सोने का प्रूफ है। रॉकी, अब हमें इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। इससे पहले बाबूजी ये डीवीडी देख ले, हम ये सारी डीवीडी खरीद लेते। हाँ, ना रहेगा बास ना बजेगी मेरी बांसुरी। सवादी का तेरी शर्ट दा मैता बटन सोनी क्या कर रहा है? ड्यूटी पैक करना। आप लोग हिंदुस्तानी हो? हाँ तो नहीं, इनको देखकर ऐसा लगा कि हमारा कोई पुराना कनेक्शन है। हाँ, भूल गए, पार्ट वन और पार्ट टू में हम दोनों एक साथ थे। वो दो पार्ट कैसे भूल सकता हूँ? लगता है तेरी ग्रैंड में अभी भी बहुत सारी मस्ती है। ये पार्ट थ्री है, चल डीवीडी पैक कर। ओके, गुड चॉइस सर। आप भी इन दोनों के फैन हो? मैं भी, इन्हें देखे बगैर रात को तो नींद ही नहीं आती। क्या है ना, दिन भर का बोझ हल्का कर दिया। एक मिनट, क्या कर रहा है? स्टोर पॉलिसी सर। वो क्या है ना मैडम, जब तक हम कस्टमर के सामने डीवीडी प्ले करके चेक नहीं करते, तब तक हम पैक नहीं कर सकते। जल्दी कर। जल्दी कर। कर रहा हूँ ना सर। क्या हुआ? सॉरी सर, लगता है स्टॉक खराब है। ये मैं आपको नहीं बेच सकता, जब नया स्टॉक आएगा तब ले लेना प्लीज। जब नया स्टॉक आएगा तो वो भी ले लेंगे, लेकिन अगर हम लोग ये नहीं लेंगे ना तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। जल्दी डीवीडी जल्दी पैक कर। आई श्योर सर? यस, जितने भी है सब पैक करवा दीजिए प्लीज। अरे आप कहेंगी तो मैं अपने आप को पैक कर दूंगा मैडम। मैं फिलहाल डीवीडी पैक कर, जल्दी कर। हाँ कर रहा हूँ ना। अरे वो रही। चलिए। फॉर अ स्पेशल कस्टमर। उलाला। अरे क्या कर रहे? सर बराबर पैक करने दीजिए ना, कितने प्यार से पैक कर रहा हूं। अबे जल्दी करना। अबे जल्दी पैक कर रहे यार। कर रहा हूँ सर। अरे और देर लगी तो पैक होने से पहले हमारा पैकअप हो जाएगा। प्लीज गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। मुझे मैडम पैकअप जल्दी कर। मैडम पैकेज मैं करा दूँ। मैं छोड़ बन जाएगा। गिव मी स्पार। अरे सत्यानाश। क्या है सत्यानाश? मेरा नाम है, क्या है? तेरा नाम भी सत्यानाश, तेरा काम भी सत्यानाश, सारे विलेन। तुम दोनों शट अप। अरे ये तो कन्हैया है। माँ जगत सचनी के बार में, मेरा मतलब है दरबार में, आप सबका हार्दिक स्वागत है। और वो कन्हैया की बहन संस्कार है। अरे वहाँ देख। अरे ये तो रॉकी और कन्हैया है, ये कर क्या रहे हैं? जो आज तक हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। अरे ये डीवीडी तो चल रही है, ये फिल्म तो मैंने 25 बार देखी है। व्हाट अ परफॉर्मेंस। ये ट्रांसिस्टर साथ क्यों लेके आए हो? बजाने घर की छोकरे। मुझे शुरू से मालूम था कि ये निकम्मा लड़का है। अरे आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे आपने लाइफ में बहुत बड़े तीर मारे हैं ना। शट अप ब्लू फिल्म एक्टर। ये सब संस्कारहीन और धोखेबाज निकले। अरे ये चढ़ने की जगह नहीं है। ये है तुम्हारे संस्कार? आप तो सचमुच वो फैमिली निकले दैट स्लीप्स टुगेदर। कन्हैया से कह देना कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी बेटी शालू की शादी उसके साथ हरगिज़ नहीं करवाऊंगा। फिर तो मेरा मर जाना ही बेटर है।
अरे अरे विद्या जी कहाँ खुदकुशी करने जा रही है? शादी तो मैंने कन्हैया की कैंसिल की है। बात तो वो ही है ना विद्या जी। अरे मैं भी आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। लगता है इसके लिए पार्ट फोर करना ही पड़ेगा। कापुन का रुक जाओ विद्या, मुझे नहीं जीना। विद्या जी रुक 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 विद्या जी रुकिए। रुक जाओ विद्या जी। विद्या विद्या स्टॉप, मुझे नहीं जीना। अरे रुक जाओ स्टॉप। अबे तेरी अबे कन्हैया रुक। विद्या जी रुक जाइए, मुझे नहीं जीना। अबे मेरी बात मान, रुक जाओ कन्हैया। कन्हैया करना, हम लोग पकड़े जा रहे हैं। वो सब छोड़, अब मुझे दलदल से निकाल, मुझे नहीं मरना है यार। अरे मुझे निकाल यहां से। हाथ दे हाथ दे हाथ दे मुझे हाथ दे। ओ माय गॉड मैं भी अंदर जा रहा हूं, मैं भी अंदर जा रहा हूं। ओ माय गॉड बचाओ बचाओ बचाओ। इतना बड़ा धोखा। धोखा घोर अनर्थ। मैं भी अंदर जा रहा हूं। अरे मैं अपनी बेटी के होने वाले पति को ही अपनी बेटी की होने वाली मां बनाने चला था। अरे वो छोड़ो, हम मर रहे हैं इधर। तूने सिर्फ मेरी बेटी के साथ नहीं, मेरे साथ भी खिलवाड़ किया है। अरे 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 कोई बचा, कोई बचा। प्रेम 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 बचा ले। अरे पापा तू भगवान नहीं। अरे मैं मरना नहीं चाहता प्रेम, कुछ कर। ओके कुछ कर दो। अरे बुआ कहाँ थी तुम? पापा मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ। अरे बचाओ। अरे बेटा मुझे माफ कर दे, शर्म आनी चाहिए मुझे, शर्म आनी चाहिए। अरे आप तो अपने दामाद को अपनी बीवी बनाना चाह रहे थे, लेकिन मैं उसका बाप अपने ही बेटे को उसकी माँ बनाना चाह रहा था। मतलब आप ही कन्हैया का असली बाप है? हाँ मैं उसका बाप हूँ, लेकिन बहुत बड़ा बाप हूँ। अरे तो ये नकली बाप कौन है? इसकी तो मुँह से भी नकली है। अरे ये तो रॉकी है, कन्हैया का दोस्त। मेरी तो मत मारी गई थी कि मेरे बेटे जैसे बेटे के दोस्त को उसका, अरे उसका बाप बनाने चली थी। हर बेटी का बाप ये सोचता है कि उसका दामाद हीरा निकलेगा, लेकिन तू तो वो कोहिनूर है जिसने पता नहीं किन किन के साथ कितनी बार कोहिनूर इस्तेमाल किया होगा। कोहिनूर नहीं, whenever we had sex, we used Durex. और इसने अगर पूरी दुनिया को अपना एनाकोंडा दिखा भी दिया तो क्या बुरा किया? जरूरी नहीं कि हर सिमरन को अपना राज मिले, नागराज से भी काम चला सकते। ये लो नागराज। शालू धोखा हुआ है हमारे साथ। कन्हैया तुम ही विद्या हो? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया शालू। सिंदूर पीछे हटो, सिंदूर। Hey guys, guys, एक मिनट, ये कर जाती है का पोपट यहाँ पे क्या क्या हुआ? सब कतरे में, जल्दी चलो, जल्दी चलो। बचाओ! अरे कोई बचाओ! बचाओ! बाजी! कन्हैया! आजा, 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 जल्दी आजा! किसी का भी नहीं होगा बाल बाका, बचेंगे काकी और काका, सबकी माँ का साकी नाका। अरे एक गुब्बारा एड्स से बचाता है, ये गुब्बारा तुम सब लोगों की जान बचाएगा। बलून फूंका।
गुब्बारा। अरे बलून फुग्गा गुब्बारा ये सब छोड़ो, जल्दी पकड़ो वरना मौका नहीं मिलेगा दोबारा। ये ले कन्हैया, पकड़ जल्दी, पकड़ो पकड़ो। हाँ बाबूजी, संभाल के संभाल के। बाबूजी कम ऑन कम ऑन, जल्दी जाइए। सिंदूर बोल पड़ी। बुआ है? बुआ ये क्या हुआ? अरे सकरू, हम दोनों का पैकअप हुआ यार। बुआ बोल पड़ी। हेलो सिंदूर मालो, लो जा जा जा, खुश रहा है। पापा भी आप ले लो। लेता चलिए चलिए आ गई। प्लीज प्लीज बेटा आ जाना। हाँ पहले तू जा, पहले तू जा। अरे नहीं पहले तू जा यार। अरे तुम लोग पागल हो, डिस्कशन कर रहे हो? इतनी हवा यहाँ पे, जल्दी करो यार। अरे एक मिनट, एक काम करते हम दोनों साथ में चलते, क्योंकि आज तक जो कुछ भी किया सब साथ में किया। चल। अरे यार चल चल, करिए संभाल के संभाल के। कम ऑन कन्हैया, अभी आगे से तूने मुझे कोई साई दिखाई ना। अरे वो देख वो देख वो देख साई। अबे तुझे हमेशा मजाक ही सूझता है। हे चलो चलो, टेक इट अप टेक इट अप टेक इट अप। अरे आहिस्ता आहिस्ता, गिरा मत देना। अरे यार अभी मुझे अपने बेटे की शादी देखनी है। जीते रहो जीते रहो, इधर भी इधर भी। हाँ गॉड ब्लेस यू, जीते रहो जीते रहो। क्या कर रहे हो? मित्रों मुझे माफ कर देना, आप सबने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी सोच कितनी गलत थी। आप सबने कपड़े उतारे लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि आप अपना तन ढक सको। और जो काम हम पापी पेट के लिए करते हैं वो कभी पाप नहीं कहलाते। उस दलदल से हम सबको बचाकर आपने ये साबित कर दिया कि संस्कार सिर्फ कपड़े पहनने या कपड़े उतारने से नहीं बनते, और यही एक नंगा सच है। बिल्कुल सही कहा आपने बाबूजी, मेरा भी शुरू से यही सोचना है कि अगर लड़की को इज्जत दोगे ना तो ही वो अपनी इज्जत आपको देगी। क्या क्या बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इनका मतलब है वो इज्जत करेगी। और अभी हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि अब हम पारिवारिक फिल्में ही बनाएंगे। अच्छा हाँ, जिसे परिवार बैठ के सबके साथ देख सके। यार कन्हैया, लाल देखने के बाद भी तेरी आंखें नॉर्मल है, ये चमत्कार कैसे हो गया? वो इसलिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन आज मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया रॉकी। यस यस, इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग में तो हम एक्सपर्ट्स हैं। एक मिनट एक मिनट, अरे वो हैप्पी एंडिंग नहीं, ये हैप्पी एंडिंग। क्या कूल है होम। अरे सॉरी सर, व्हाट आर वी डूइंग, ये जीना भी कोई जीना। वापस गया ना।
Sorry, एक सेकंड ये ले ले। नानी का जन्मदिन है शक्ति कपूर का। मैंने तुम्हें कभी बाल पोछ पे अभी हिल ले। तेरी जान। अबे तेरी मासी ने तुझे ये दिया हुआ है, इसका क्या करूं मैं? मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत छल। ना बचेगा पास, ना was fit kon jisne apni suhara ka ya ispe wo mera dhupatta hi dikh raha hai na to koi to kyun do pagal ho gaya tu main line bhul gaya uske baad filmon mein acting sorry to kaise dur kin film ko direct back karo action saath hai हम साथ साथ हैं। यूए कलाई भूल गया। कट 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 कट। दरिंदे। नहीं सॉरी क्या था? दरिंदे। क्लैप ना ना अंदर यार। ने ब्लूपर शॉट है, क्लैप हटाना यार। बासी जो है ना एकदम मिल्फ टाइप की लगती है। मिल्फ? खरक बोल। मिल्फ? हाँ। मासी आई वॉन्ट टू फेसबुक The madness continues. At kya kule hum threesome. Kya kule? Kya kule? Kya kule hum threesome. Behne ke liye.